स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथ क्लास 5, टॉपिक फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, आज हम बॉडी मास रूल सीखेंगे जो आपके फोर्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बॉडी मास में स्टूडेंट्स बी फॉर क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर। अब ब्रैकेट्स बच्चों कौन सी ब्रैकेट्स होती हैं, ये मैंने 3 ब्रैकेट्स लिखा है जो आपके सिलेबस में यूज होंगी। इस ब्रैकेट की शेप आपको नजर आ रही है, इस ब्रैकेट को हम रीड करते हैं राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इस बेस यानी इस ब्रैकेट को हम रीड करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स और इस ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये तीनों ब्रैकेट्स के नाम है। अभी बच्चे जो कहा गया बी फॉर ब्रैकेट्स, इट मीन्स डैट हमने फर्स्ट में ब्रैकेट्स को क्वेश्चन में आ गई तो उन्हें यूज करना है, उन्हें सॉल्व करना है। ओ फॉर फ्रेंड्स क्या है, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर क्या, किसी भी डिजिट की कोई पावर हो सकती है तो हम फर्स्ट पे एक्सपोनेंट पावर को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स डी फॉर डिवीजन, डिवीजन का आपको पता है साइन कौन सा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये अब किसी क्वेश्चन में डिवीजन का साइन आ जाए तो ब्रैकेट्स और ऑर्डर को बाद हमें थर्ड में किसे सॉल्व करना है, डिवीजन साइन को। M for students क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का भी साइन आपको पता है कि ये वाला होता है, तो डिवीजन के साइन के बाद हम इस साइन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद बच्चों A for addition, addition का साइन भी आपको पता है जिसे हम प्लस का साइन कहते हैं, ठीक है, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। और लास्ट पे क्या है S for subtraction, subtraction means माइनस करना, तो ये सब्ट्रैक्शन का साइन है। बच्चों हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए तो हमने उसमें फर्स्ट में ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर बाद में ऑर्डर्स को, फिर उसके बाद डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इन साइन को वन बाय वन हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बॉडी मास रूल्स लर्न करने हैं और कर्ली ब्रैकेट्स को आइडेंटिफाई करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।